हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पर सिंह। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और महत्वपूर्ण है। सो, इतने दिन से जिस दिन के लिए वेट था, फाइनली वो दिन आ गया। टुडे ऑल्दो आई एम वेरी एक्साइटेड, येट मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। सो टुडे इज 27th ऑफ मे और आज मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड फॉर प्रेगनेंसी। सो बेसिकली आज मेरा 8 हफ्ता 6 दिन लग गया है। सो बेसिकली कैलकुलेशन के हिसाब से आई हैव कम्प्लीटेड माई 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। डॉक्टर ने कहा है कि ये टेस्ट करना ज़रूरी है, वैसे तो 3 महीने तक देते हैं, बिकॉज मैंने पहले जो मेरा गायनेकोलॉजिस्ट है उसके असिस्टेंट को दिखाई थी, उसके बाद मैंने उनको दिखाई थी, तो उनके असिस्टेंट ने ये बात बताया थे कि 2 महीने बाद करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे PCOD का प्रॉब्लम था कि बेबी के हार्ट बीट आया है कि नहीं, गेस्टेशनल सैक, फीटल पोल, कभी कभी रिस्क हो जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, लो लाइंग प्लेसेंटा का, तो ये सब चीज़ मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी। तो बेसिकली इस अल्ट्रासाउंड से मुझे पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है अंदर। वैसे भी इंदर का अंदर नहीं जाना देगा, मुझे अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि मे बी इंडिया में ये अलाउड नहीं है। डोंट नो, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग फॉर अल्ट्रासाउंड टेस्ट। तो पहले एक बार करवाई थी जब मुझे ओवरी में सिस्ट हुआ था, उसके बाद ही मुझे PCOD का पता चला था। बट दैट टाइम रियली आई डोंट रिमेंबर कि मम्मी मेरे साथ गई थी कि नहीं गई थी। अगर इंदर को जाने देगा तो इंदर जाएगा, अगर नहीं जाने देगा तो मैं अकेले चली जाऊँगी। गाइस, अलमारी का हाल दिखाने लायक बिल्कुल नहीं है। देखो क्या ऊपर वाला सेक्शन ठीक है, नीचे वाला सेक्शन भी ठीक है, बिल्कुल अच्छे से रखा हुआ, पर बीच वाला सेक्शन ये इंदर यूज करते फिर भी देखो ये सही है, और मेरा वाला सेक्शन देखो कितना गंदा है। तो इसमें तो से सियाना बच्चा हूं, इसीलिए अच्छा है मेरा। शराब क्यों मेरा व्लॉग खराब करते हो यार? ओके, अच्छा मैं आज 3/4 और मतलब केफ्री और टी शर्ट पहन के जाऊंगी, क्योंकि उधर मेरे लोअर एब्डोमेन में होगा अल्ट्रासाउंड, तो ज़्यादा भारी कुछ पहनूंगी या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भरा हुआ ढका हुआ पहनूंगी तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो मैं पहले सोची थी कि फ़्रॉक पहनने के जाऊंगी, फिर बाद में पता चला फ्रॉक पहनने से भी प्रॉब्लम होगा, तो ये वाला वाइट एंड ग्रे, दिस इज़ लाइट, गुड फॉर समर, ये मैं पहन लूँगी। और इसके साथ कोई टी शर्ट, इंदर कौन सा टी शर्ट लूँ इसके साथ? मैं सोच रही हूँ टी शर्ट टाइप का कुछ पहन लूँ ऊपर हल्का फुल्का से। ये देखो ये है ना, ये टी शर्ट भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारा न्यू है। और कुछ अच्छी टी शर्ट भी है इधर, ये वाला है अच्छा, ये वाला शॉर्ट लॉन्ग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आज, ये वाला है, काफी सारे टी शर्ट इधर है। मैं ये वाला पहन लू ना इंदर, ये वाला पहन लू, हाँ ये तो है, खराब होगा। सो गाइस, मैंने ये वाला टी शर्ट ही ले ली, इसके साथ चल भी जाएगा, और क्योंकि USG के टाइम जेल लगाते हैं लोअर एब्डोमेन में, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट है, तो वैसे भी कपड़ा ख़राब होगा, आके धोना ही पड़ेगा, तो दिस विल बी द बेटर ऑप्शन। और गर्मी है, खुल्लम खुल्ला हल्का फुल्का ठीक रहेगा। चलो, सो गाइस आई एम ऑल रेडी। तो मैंने टी शर्ट पहन लिया, नीचे 3/4 कुर्ती पहन, कुर्ती नहीं सॉरी, 3/4 इसको क्या बोलते हैं, 3/4 के, तो 3/4 केफ्री पहन लिया बस, एंड आई एम ऑल सेट। इसने 3 पजामा पहन लिया, मतलब एक से कम होता है, बोले पूरे से कम होता है। सो बेसिकली गाइस, आई एम रेडी फॉर आउट, और मैंने सारा अपना प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह जो भी है सब कुछ ले लिया है। घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे, क्यों? क्योंकि जब भी हम घर से निकल रहे हैं तो नीचे, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली है, तो सारे पूछते रहते हैं किधर जा रहे हो, ना जा रहे हो, तो बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट आवर प्रेगनेंसी राइट नाउ, तो इसीलिए हम किसी को नहीं बोल रहे, क्योंकि जब तक ना आपका सोनोग्राफी का रिपोर्ट आ जाता है, आपको पता चलता है कि बेबी का हार्ट बीट आ गया, बेबी बिल्कुल ठीक है, तो किसी को बोलना सही नहीं होता है, एज वी ऑल नो। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, टच वुड, अगर सब कुछ सही रहे तो व्लॉग्स भी अपलोड करेंगे, सबको बताएंगे भी, तो वेट फॉर दैट डे। अभी के लिए तो एवरीथिंग इज रेडी, तो अभी फटाफट से चलते हैं। बाहर का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है, धूप ज़्यादा है, सुबह के टाइम ठीक था पर मुझे यही टाइमिंग दिया था कि 11:30 के बीच में आना है, तो चलो देखते हैं बाकी क्या होता ना होता है, मैं सब कुछ आपको अपडेट करूँगी।
करना पड़ेगा। I'm so tired, पानी पीते-पीते मैं थक गई। गाइस जस्ट अभी अभी हम हॉस्पिटल से निकले हैं और मेरे आंखों से आंसू आ रहा था। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। जब मैंने बेबी का हार्ट बीट सुना और डॉक्टर ने रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ तो नहीं बताते हैं, थोड़ा बहुत बताते हैं, तो मेरे को बस ऐसा ही था कि मैं बेबी का हार्ट बीट आ जाए बस, और कोई नहीं। बेबी का हार्ट बीट इतना ज़ोरदार धड़क रहा था, आई वॉज लाइक वो देख लो। अभी हम घर पे फ़ोन कर रहे हैं, इंदर के मम्मी पापा को कर रहे हैं, इंदर की मम्मी है। Hello. चलो ये बात करने चला गया, अभी घर जाके मैं आप लोगों को सब कुछ अपडेट करती हूँ। सो गाइस अभी मैं घर पे आ गई हूँ। मुझे पता है फ़ैन का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है और इस रूम में एसी बिल्कुल भी नहीं है, तो फ़ैन चला के बैठना पड़ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आ रही है। तो मैं रास्ते से पापा को कॉल किया था, मतलब मेरे फादर इन लॉ को, तो फादर इन लॉ से बात हुई पर मदर इन लॉ से बात नहीं हुई। तो मम्मी को दो बार मैंने कॉल किया, दो बार उधर किसी का डेथ हो गया है तो उनके घर पर बिजी थी। तो अभी कुछ देर पहले मम्मी की कॉल आई थी पर मैं बिजी थी इसीलिए फ़ोन पर बात नहीं हो पाई। तो अभी मैं मम्मी को फ़ोन करूँगी और मैं ये बताऊँगी कि मेरे बेबी का हार्ट बीट आ गया है और पता नहीं मम्मी की रिएक्शन क्या होगी। तो आप लोग इधर वॉइस सुनोगे और साथ साथ मेरा रिएक्शन देखोगे। वीडियो कॉल तो नहीं कर सकती बट डेफिनेटली मम्मी की वॉइस सुनाती हूँ। तो चलो अभी मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, मैं इंदर के फ़ोन से कॉल लगाती हूँ। तो ये आ गया नंबर और इधर सबसे पहले पापा का ही नंबर है, देख सकते हो पापा लिखा हुआ है सबसे पहले। तो पापा को कॉल लगाती हूँ और देखती हूँ क्या रिएक्शन आती है। हेलो पापा, सत श्री अकाल। और हाँ हाँ आगे हूँ मैं, तो कब का आके नहा भी ली है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सत श्री अकाल मम्मी, कितने हो और अच्छा घर पे आ गए। हाँ फिर मैंने पापा को रास्ते से कॉल किया था ना, फिर पापा ने बोला मम्मी अभी है नहीं सामने। तो और मैंने पापा को कहा कि आप बताना नहीं, आप मम्मी को बात करवाना नहीं। डॉक्टर को बोली कि डॉक्टर हार्ट बीट आया है बेबी का कि नहीं आया है। फिर उन्होंने ऐसे वॉल्यूम, उधर वॉल्यूम बढ़ाने कमाने का होता है ना कंप्यूटर के साथ, तो उधर वॉल्यूम बढ़ा के मुझे हार्ट बीट सुनाया। बहुत गर्मी है, आप लोगों ने सुना कि मम्मी की एक्सप्रेशन कैसी थी। पापा का नहीं सुना पाया क्योंकि पापा से पहली बात हो गया था रास्ते में। तो बाकी हम दोनों अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो जब मैं गई थी उधर, एक तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ रहा था और मुझे बिल्कुल प्यास लग नहीं रही थी, और बट हाँ सोनोग्राफी के लिए करना पड़ा। जब हम उधर बैठे थे ना, तो एक तो सामने वॉशरूम था तो बहुत गंदा भी फील हो रहा था ऊपर से। हाँ मुझे बहुत 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 ज़्यादा टेंशन हो रही थी एक्चुअली। बाकी थोड़ी सी कुछ गरमाइश की वजह से वैसे एसी तो चल रहा था, बट फिर भी मेरा बिल्कुल अच्छा सा नहीं फीलिंग आ रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक बार टेस्ट हो जाए, मुझे पता चला बस फिर शांति मिलेगी। तो अंदर से नर्स मुझे दो बार बुलाई थी पर मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे प्रेशर नहीं आ रही थी और ब्लड जब तक ना आपका फूल होगा तब तक अंदर तो कुछ होगा भी नहीं, वैसे भी आपको बाहर निकाल देंगे फिर से आपको जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी एक ही बार में सब कुछ ठीक ठाक होकर आ जाए। दो बार जाना आना मतलब थोड़ा सा होता है ना कि एक ही बार गया बिल्कुल सही सलामत रिपोर्ट हुआ आ गया। तो उसके बाद जब मैं अंदर गई तो फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड थी। तो डॉक्टर आया, फिर उन्होंने टेस्ट करना स्टार्ट किया था। जब वो टेस्ट कर रहा था ना, मैं ऐसे मॉनिटर की तरफ देख रही थी कि क्या आ रहा है ना आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो डॉक्टर तो कर रहा था जो करना है, यूएसजी चल रहा था, तो आई वॉज़ फीलिंग लाइक पता नहीं क्या आएगा रिपोर्ट में। तो मैं देखने की ट्राई कर रही थी क्योंकि क्या होता है ना जब हम लड़के प्रेग्नेंट होते हैं, आजकल के ज़माने में हम तो यूट्यूब से सारा कुछ देख ही लेते हैं कि स्कैन कैसे करते हैं, स्कैन में कैसे दिखता है, कैसे पता चलता है। तो मुझे ऐसा था कि मैं थोड़ी सी भी देख लूँ ना तो मुझे पता चल जाएगा कि बेबी है कि नहीं, सैक बना है कि नहीं। तो मैं देखने की ट्राई कर रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे हाइट कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बोला है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बस मुझे देखने दिया। तो मेरे को पता चल गया था कि मेरा सैक दिख रहा है, ठीक है।
तो ये नहीं पता चल रहा था कि बेबी का हार्ट बीट आया है कि नहीं। वैसे डॉक्टर ने मुझे ये बात बताया थे मेरे गायनो ने कि अगर बेबी का हार्ट बीट आ गया सही टाइम पे तो आप कोई चिंता मत करो, तो आप ऐसे सोच लें कि फर्स्ट हर्डल आपका पास हो गया, और अगर बेबी का हार्ट बीट नहीं आया तो ऐसे सोच लो कि अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, है ना। तो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, और कौन चाहते अपने पहले बच्चों का अबॉर्ट करवाना, और जबकि हमको पता चल जाता है कि हमारा 2 महीना हो गया, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा फर्स्ट बेबी है 2 मंथ्स हो गया और उसको हम अबॉर्ट करवा रहे हैं, है ना। किसको अच्छा लगता है ये सब, इन सारी चीज़ों के बारे में बातें भी करना है ना। तो उसके बाद तुम बताओ, उसके बाद मेरे पुत्र होने लग गए। उसके बाद इंदर को नहीं पता क्योंकि इंदर बाहर बैठा था, ठीक है। तो ये तो सोच रही, इसका तो मुंह देखने वाला था। जब मैं अंदर जा रही थी ना, मैं एक बार घूम के इंदर की तरफ देखी, तो इंदर वॉज लाइक मतलब ऐसा था कि मैं आऊँ पर अंदर तो मुझे अलाउ नहीं करेगा, मैं क्या करूँ ना करूँ, चल तू जा मैं वेट करूँ, ये भी टेंस्ड हो गया क्योंकि पता नहीं क्या होगा। और मैं जहाँ जहाँ पे जाती हूँ जैसे भी कंडीशन में हो तो इंदर मेरे साथ रहता है ऑलवेज, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं अकेली गई करवा के आ गई। बट USA के रूम में तो इधर फॉरन में अलाउ करते, इधर तो हस्बैंड का अलाउ नहीं करते हैं। पंजाब में भी करवा लेते हैं डॉक्टर मुख्य से। अच्छा, इधर तो नहीं करवाते हैं, अलाउ नहीं करते हैं वैसे। तो सॉरी, अनफॉर्चुनेटली वीडियो कट करके आना पड़ा क्योंकि उस रूम में पापा आ गया था, तो बात चल रहा था तो बीच में वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था, तो हमने शिफ्ट कर गए रूम। तो कहाँ पे थी मैं? हाँ, तो मैं इधर ही रूम में थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को बताई कि डॉक्टर मुझे प्लीज़ बच्चे का हार्ट बीट सुनाओ, है ना, क्योंकि जो मेरा गायनो था ना, तो उन्होंने ऐसा बता दिया था कि अगर बेबी का हार्ट बीट आ गया तो आप समझ लो कि आधा टेंशन ख़त्म है। तो मेरे दिमाग में वही था कि बेबी का बस हार्ट बीट आ जाए, मुझे दिखने को या सुनने को मिल जाए। तो वैसे तो साउंड चल रहा था, सब कुछ आ रहा था, बट मुझे पता नहीं क्यों नहीं सुनाई दे रहा था। मे बी मैं डॉक्टर पर ज़्यादा फोकस कर रही थी क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, मुझे कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहे थे। तो मैंने डॉक्टर को बोली कि डॉक्टर मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, तो उन्होंने वॉल्यूम जब बढ़ाया, ओ माय गॉड, दैट वाज द बेस्ट साउंड आई हैव एवर हर्ड। मैं इंदर को ना तो समझा सकती हूँ ये फीलिंग कैसा है, ना तो मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ जिसका फर्स्ट बेबी हुआ, उनको ही पता है कि कैसा लगता है। बाकी उसके बाद जब मैं बेबी का मूवमेंट देखी और हार्ट बीट सुना साथ में कि बीवी का हार्ट बीट चल रहा है, बीवी कैसे मूव करे, इतना सा छोटा जैसे ग्रेप होता है मोटा सा, उस टाइप का था, बिल्कुल सी पैटर्न में हेड बॉडी सब कुछ नज़र आ रहा था। मैं बस इतनी सी बात सोच रही थी, काश इंदर होता साथ में, ये देख पाता, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट अलाउड इन साइड द USG रूम। जब मैं बाहर निकली, इंदर का मुँह देखने वाला था। इंदर वॉज लाइक जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, ऐसा ऐसा बोल तो नहीं पा रहा था सबके सामने, बट उसका रिएक्शन ऐसा था कि जल्दी से आ जाओ और बाहर चलते हम बात करते हैं। तो मैं इंदर को बोली चलो जल्दी से बाहर चलते हैं, तो ही वॉज क्वाइट टेंस्ड कि क्या हुआ ना हुआ है। बाहर जाके जब मैं इसको भी बताई थी ना, तो इसके भी आँख देखने वाला था। उसके बाद मैंने घर पे इमिडिएटली पापा को फ़ोन किया, इसके पापा को फ़ोन किया, मम्मी तब साथ में थी नहीं। बाकी घर पे आके जब मम्मी से बात हुई, आपको सुनाई दिया कैसे रिएक्शन था मम्मी की। तो चलो, फर्स्ट जो USG था हमारा वो सक्सेसफुल हुआ है, एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड जे सब कुछ ठीक है, और बाय गॉड्स ग्रेस आप लोगों के प्यार से, भगवान के प्यार से सब कुछ सही सलामत है। तो होपिंग दैट आगे ऐसे ही सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँगी, जो भी एक्सपीरियंस होगा हमारा शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। भले ही आप लोग ये सारे ब्लॉग बहुत लेट देखोगे, बट चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज शाम को रिपोर्ट आ जाएगा, जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। देखते रहिएगा ब्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलिएगा नहीं। टिल देन बाय बाय।